हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, और इनके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हम पीछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं, और रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो पढ़ चुके हैं। उनके बेसिस पे हमें क्या पता चला कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको प्रोटॉन बोलते हैं, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसको कैंसिल आउट कर देगा, और जो एटम के पास बचेगा वो जीरो चार्ज बचेगा। तो ओवरऑल एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलते हैं उसको। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उन्हीं के इक्वल आता है एटॉमिक नंबर, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो तीनों चीज़ें एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों चीज़ें जो कि जेड और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीनों चीज़ें किसी भी एटम में क्या होंगी? इक्वल होंगी। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है, बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो भी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उस न्यूक्लियस के अंदर हम लोकेशन पढ़ चुके हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो क्या है कि प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, क्योंकि जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। फर्दर सिंस द इलेक्ट्रॉन है नेग्लिजिबल मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसको प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंटायर मास ऑफ एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो कि प्रोटॉन का मास है उसका भी नियर अबाउट 1836 या आप 1840 बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन के मास के, प्रोटॉन के मास के अगर आप डिवाइड करते हो उसको 1840 से, तब आता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो बहुत ही कम होता है। इस वजह से आप क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन के मास को। तो किसी भी एटम का जो टोटल मास आता है वो किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से आता है। तो गाइज क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली। दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और फर्दर एज ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव वन यूनिट मास, हर एक जो पार्टिकल है एटम के अंदर उसका कितना मास होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वन यूनिट मास ऑन दी एटॉमिक मास स्केल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब कंबाइन मास होगा, वन वन यूनिट होता है दोनों का, देयरफॉर सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल आ जाता है? एटम के मास के इक्वल, और उसी को क्या बोलते हैं? हमारा ये सभी पढ़ने का मकसद क्या है? उस ये जितना भी हमने पढ़ा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, उसको क्या बोलते हैं? मास नंबर बोला जाता है इनको। तो फिर क्या है, जैसे
मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का मास होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन होंगे उसके अंदर प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हो तो एलिमेंट का क्या आता है, मास नंबर आता है। तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो नियरली किसके इक्वल होता है, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके इक्वल आएगा। However, the main difference between these two is mass number is always a whole number. जो mass number होता है वो हमेशा एक whole number होता है, लेकिन जो atomic mass है वो क्या होता है, वो usually not a whole number. वो usually क्या होता है, एक whole number नहीं होता है, लेकिन mass number क्या होगा, हमेशा एक whole number होता है। Atomic number को Z से represent किया और atomic mass, या फिर मास नंबर भी बोल दो आप, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया किसी भी एलिमेंट का। मान लीजिए कोई एलिमेंट हमारे पास एक्स है, तो उस एलिमेंट के सिंबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और एटॉमिक नंबर मास कैसे लिखते हो। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, जैसे वो एलिमेंट लिखा हमने, उसका सिंबल लिखते हैं साथ के साथ, हम देख लेते हैं कोई भी एलिमेंट एक्स, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा तो उसका सिंबल लिखा एक्स, क्या बोला जाए, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और नीचे क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जेड कितना होगा, जैसे 8 होता है तो नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा, और ऊपर लिखते हैं उसका मास नंबर, जो कि ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो किसी भी एटम को आप ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तरीका होता है एटम को रिप्रेजेंट करने का। या फिर सोडियम देख सकते हो, सोडियम जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा 11 और जो मास नंबर होता है वो 23 ऊपर लिखा गया। या फिर क्लोरीन नीचे 17 एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका मास 35। ऐसे काफ़ी एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और फिर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी भी जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखते हैं हम। तो अगर हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, अगर हमें एटॉमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो मान लीजिए हमें उस एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी पता चल गया, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एक चीज़ अगर हमें पता है तो हम बाकी के दो बता सकते हैं। और फिर मास नंबर, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हमें जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, या अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है और मान लीजिए न्यूट्रॉन्स पता है, तो एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन के। तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं हम उसमें। या फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पता है और न्यूट्रॉन का पता है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे किसी भी एटम में, प्रोटॉन के इक्वल होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिर हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ये निकालने हैं तो कैसे करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कोई एलिमेंट सोडियम है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, तो उस एलिमेंट को हम गाइज ऐसे लिखते हैं, सोडियम 11 और 23 ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करने हैं, मतलब ए और जेड, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे क्लोरीन एटम का एग्जांपल दिया गया है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, और न्यूट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे, 35 माइनस 17, 18 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या होते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले आइसोटोप, आइसोटोप होता है
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई भी अगर एटम है हमारे पास, जिस मतलब एक एलिमेंट है उसके काफ़ी सारे आइसोटोप हो सकते हैं। एक ही एलिमेंट का अगर आइसो मतलब सेम, आइसो का क्या मतलब होगा, सेम प्लस टोप, आइसो प्लस टोप्स, आइसो मतलब सेम एंड टोप मतलब एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप का मतलब हुआ सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट। एक ही एलिमेंट्स का जिसमें एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम, लेकिन जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक ही एलिमेंट्स के जो अलग अलग फॉर्म है वो क्या होंगी, आइसोटोप। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या होगा, आइसो मतलब सेम एंड टोप मतलब एटॉमिक नंबर। ऐसे आप याद कर सकते हो, सेम एटॉमिक नंबर हो किसी एलिमेंट का और डिफरेंट मास नंबर हो तो क्या होगा, वो आइसोटोप। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो एटम है उसके तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप, 1, 1, 1 तीनों एटॉमिक नंबर जो कि सेम हैं और 1, 2, 3 मास नंबर जो कि डिफरेंट हैं। और 1H1 को आप प्रोटियम बोल सकते हो, पी से रिप्रेजेंट करते हो, 1H2 को ड्यूटेरियम डी और 1H3 ट्राइटियम टी से रिप्रेजेंट करते हो आप। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हुए। और गाइस जैसे ये है क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और जो मास नंबर है एक 35 और दूसरा आइसोटोप 37। तो दो आइसोटोप होंगे क्लोरीन एटम के। और उसके बाद आइसोबार, आइसोबार में जो आइसोटोप है उसका रिवर्स होता है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, अब की बार आइसोबार में मास नंबर सेम होगा, क्या होगा, मास नंबर सेम होगा आइसोबार के अंदर और जो एटॉमिक नंबर हुआ वो क्या होगा, डिफरेंट। तो जो एलिमेंट है जिनका सम सच एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या है कि जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो क्या होंगे, आइसोबार। एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों क्या है, आइसोबार। जो मास नंबर है तीनों का क्या है, 40 और जो एटॉमिक नंबर है 18, 19 और 20। तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है तो ये क्या होंगे, आइसोबार। उसके बाद है गाइज आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम एंड टोन मतलब न्यूट्रॉन। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसो मतलब सेम एंड टोन मतलब न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो किसी भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं उनमें तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोन के, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं और जिनका एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, जो मास नंबर है 14, 15, 16। अगर आप इनमें से न्यूट्रॉन निकालते हो तो न्यूट्रॉन मतलब A-Z फार्मूला से आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करिए। कार्बन में 14-6 कितने आएंगे, 8, नाइट्रोजन में 15-7, 8 एंड इन ऑक्सीजन 16-8 ऑल्सो कम 8। तो इन तीनों के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट हैं ये, इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट है सॉरी, और मास नंबर भी डिफरेंट है लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये क्या होंगे, आइसोटोन होंगे। और गाइज ये तो था मतलब डिफरेंट एलिमेंट। और जो हमने मास नंबर पढ़ा, सॉरी जो आइसो बार पढ़ा उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन जो आइसोटोप पढ़ा था हमने वो सेम एलिमेंट के होंगे। आइसोटोप कैसे होंगे, एक ही एलिमेंट के, इसमें ये बोला गया है सेम एलिमेंट्स के एटम, और आइसो बार में बोला गया डिफरेंट एलिमेंट के एटम, और जो आइसोटोन है उसमें क्या बोला गया था, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स ही आएंगे उसमें भी। उसके बाद है गाइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे, वही आइसो मतलब सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों।
जिन स्पीशीज में, स्पीशीज मतलब आपके एटम्स या आयंस भी हो सकते हैं, जिन एटम्स के अंदर या आयंस के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से हम बेटर वे में समझ सकते हैं, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एफ नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और नियोन। गाइज जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और जो एल्यूमिनियम है उसका होता है 13, मैग्नीशियम का 12, सोडियम 11 और जो फ्लोरीन है उसका 9, ऑक्सीजन का 8। तो O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव भी है इसके ऊपर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है इसके पास, वो आप ऐड करिए तो कितने आएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9, और एफ नेगेटिव है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और कितने आ जाएंगे, 10। ऐसे ही Na पॉजिटिव, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, 11 है तो Na पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपको हटाना पड़ेगा, -1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही गाइज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं मैग्नीशियम में, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो टोटल कितने बचे, 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम किए गए तो कितना बचा, 10। और नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। बात ऐसे है मतलब सभी एलिमेंट्स के अंदर जो आयंस हैं यहाँ पे, एटम्स या आयंस, उन सब के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम्स या आयंस कैसे हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के या स्पीसीज के एग्जाम्पल होंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, आइसोटोप में क्या है, सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन, आइसोटोप सेम प्रोटॉन, और डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, या फिर मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो इस वजह से जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या आएंगे, डिफरेंट। और आइसोबार में क्या है, आइसोबार में मास नंबर अब की बार सेम था और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो न्यूट्रॉन तो क्या हुआ, डिफरेंट ही हुए और प्रोटॉन भी क्या होंगे, डिफरेंट। आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन अलग है, मास नंबर भी अलग है लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। इन्हीं के बेसिस पे हम सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो फर्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 3580। जो ब्रोमीन है एटॉमिक नंबर 35 और जो मास नंबर है 80, इसके अंदर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगर एटॉमिक नंबर 35 है तो इतने ही उसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन, तो कितना आएगा आंसर, 35 आ जाएगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन तीनों। और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो न्यूट्रॉन मतलब ए माइनस जेड, जो ऊपर मास दे रखा है 80 और जो एटॉमिक नंबर दे रखा है 35, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 45। तो गाइस एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टोटल सारे कितने उसमें इक्वल हैं दोनों, 35 प्रोटॉन और टोटल जो 35 इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड सैंपल प्रॉब्लम, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट विद द नोटेशन यूरेनियम 92, जो कि एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर 238। तो एटॉमिक नंबर इसमें एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है 92 है, और जो मास नंबर है हम देख के बता सकते हैं 238 है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के ही, तो 92 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड फार्मूला से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 146 आ जाएंगे। उसके बाद है जो थर्ड सैंपल प्रॉब्लम जो कि इम्पोर्टेंट है, द न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर।
जो न्यूक्लियस रेडियस है वो है 10^-13 सेंटीमीटर, और जो एटॉमिक रेडियस है वो है 10^-8 सेंटीमीटर। अज्यूम करना है कि न्यूक्लियस एंड द एटम टू बी स्फेरिकल, दोनों कैसे हैं, स्फेरिकल शेप के हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसने एटम्स के अंदर टोटल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम उससे पहले ये जान लेते हैं, जो भी एटम अगर स्फेरिकल है, सभी एटम ही स्फेरिकल होते हैं, तो बीच में उसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और उसके सेंटर में अगर न्यूक्लियस है, मतलब ये होगी उसकी न्यूक्लियस से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस, और इसी सेंटर से न्यूक्लियस से जो यहाँ तक की रेडियस होगी वो होगी एटॉमिक रेडियस। तो गाइस जो एटॉमिक रेडियस है वो कैपिटल आर लिखी अगर मैंने, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होगी न्यूक्लियस रेडियस से। तो जो वॉल्यूम है, सबसे पहले हम जो किसी भी स्फीयर की वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं 4/3 πr³। जो फार्मूला होता है स्फीयर की वॉल्यूम का 4/3 πr³ ये होता है। तो हमें न्यूक्लियस रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों का पता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस की वॉल्यूम निकाल लेते हैं 4/3 πr³ फार्मूला से, 4/3 π, और जो रेडियस है न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है 10^-13 सेंटीमीटर, इसमें पुट करेंगे और क्यूब, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और उसके बाद जो एटम की वॉल्यूम है वो काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सॉरी, और रेडियस कितनी है 10^-8 सेंटीमीटर, तो उसकी ये आ जाएगी। तो हमें चाहिए फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के द्वारा एटम्स के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, ये चाहिए हमें। तो हम ऐसे निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, कितना फ्रैक्शन है वो कैसे पता चलेगा, जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि एटम की होगी, तो जो रेशो आएगी हमारी 10^-15, मतलब इतनी वॉल्यूम न्यूक्लियस के द्वारा जो फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है किसी भी एटम का। और जो लास्ट सैंपल प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 and 16 रिस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू दिस स्पीशीज। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 16 एंड जो न्यूट्रॉन है वो कितने, सॉरी जो न्यूट्रॉन है वो कितने दिए गए हैं 16, और प्रोटॉन कितने 16, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने 18। असाइन दी प्रॉपर सिंबल ऑफ दी स्पीशीज, हमें ये पता करना है उस स्पीशीज का क्या सिंबल होगा और कौन सा स्पीशीज होगा, ये एटम्स होगा या आयन होगा। अगर स्पीशीज पूछा है तो हो सकता है वो कोई भी एटम भी हो सकता है या कोई आयन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अगर प्रोटॉन पता है, इलेक्ट्रॉन तो किसी भी एटम में कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो आयन आएगा, मान लीजिए कोई नेगेटिव आयन आता है ए नेगेटिव, या फिर कोई पॉजिटिव आयन आता है ए पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें कम ज़्यादा हो जाएंगे आयन की वजह से, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो हमेशा वही रहेंगे सेम। तो प्रोटॉन अगर 16 है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा 16। एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है गाइज, सल्फर एटम का होता है, एटॉमिक नंबर 16 तो कौन सा एटम है वो सल्फर। सल्फर अगर एटम है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन उसमें और एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके होता है प्रोटॉन के, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के। प्रोटीन 16 सही है, एटॉमिक नंबर भी 16 है सल्फर का, लेकिन इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो आप एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर मतलब कितना चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है वो मतलब सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और जिसका मास नंबर होता है 32, और अगर आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हो तो कितने आ जाएंगे यहाँ से a-z फार्मूला से 16।
तो न्यूट्रॉन 16, प्रोटॉन भी 16, मास नंबर 32, इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब S2 नेगेटिव आयन है। तो उस एटम का या उस स्पीशीज का आयन का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, S2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।